देश में लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम में श्रद्धा गोमे ने इंदौर का नाम रोशन करते हुए 60वीं रैंक हासिल करने पर इंदौर पधारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। सीएम ने श्रद्धा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर श्रद्धा का कहना था कि हमें लगन और एकाग्रता से ही सफलता हासिल होती है और इसी कारण से आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। देश में आयोजित हुई लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणामों में सर्वाधिक संख्या बेटियों की ही है। बेटियों को केवल एक मंच देने की आवश्यकता है और हौसला अफजाई की वो कई कीर्तिमान हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कुलकर्णी भट्टे के छोटे से परिवार में रहकर बेंगलुरु में गोल्ड मेडलिस्ट रही और उसके बाद लगातार मेहनत के साथ ये सफलता हासिल की है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप सभी को कोटि कोटि नमन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि अभी जब सर्विस में आ गए हैं तो अपने अच्छे काम के रूप में आप सभी को गौरवान्वित करूँ, इस शहर का नाम और रोशन करूँ। सो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। आपने जो प्रश्न रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहना चाहूंगी कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ वो इसलिए क्योंकि एक पॉलिटिकल विल रही है कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है। और आज जो आप यूपीएससी का रिजल्ट देख रहे हैं, आज मैं AIR 60 हूँ, पर टॉपर्स जो कंट्री में टॉप की है वो भी लड़कियां हैं। जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए भाई। और इससे प्राउड मोमेंट कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि ये दर्शाता है कि अगर लड़कियों को महिलाओं को वो मंच दिया जाए, वो अधिकार दिए जाए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के बच्चे यहाँ होंगे वो हमसे भी आगे जाए और इस देश का नाम रोशन करें। इस अवसर पर बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे।